नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास टेंथ की हिंदी। क्लास टेंथ की हिंदी में हमने कल जो हमारा सेशन था उसमें हमने अपना चैप्टर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कंप्लीट कर लिया था। और चैप्टर आपने देखा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा वो चैप्टर था। और आप उस चैप्टर का भावार्थ, उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर, उस पाठ के कठिन शब्द, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो पाठ समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है उस पाठ से, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भावार्थ समझ में नहीं आया है, तो वो अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी प्रश्न का उत्तर अगर समझ में नहीं आता है तो वो भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है चैप्टर से, आप अभी अपने सेशन स्टार्ट होने से पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का दूसरा हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आत्मकथ्य। और ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो अगर कोई दिक्कत परेशानी है पिछले सेशन से, पिछले चैप्टर से, तो अपना प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं। वैसे तो हमने पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो चैप्टर का नाम है नेक्स्ट जो है आत्मकथ्य। और ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया ये हमारा पाठ है। और इससे पहले, सबसे पहले हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सन 1889 में हुआ था। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें आठवीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्हें आठवीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। यानी कि इन्होंने अपना, जब इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी विकट परिस्थितियों के कारण, तो इन्होंने घर पर ही, उसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं में अपनी पढ़ाई की। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्हें छायावादी कवि माना जाता है, यानी छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, छायावादी कवि इन्हें कहते हैं। और इन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी, यानी कि हर तरह की परिस्थितियों में इन्होंने साहित्य की रचना की। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और कविताओं की रचना की। इनकी कामायनी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और इन्हें मंगल प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया। देश के गौरव गान तथा देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि इनका जो काव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का जो ज्यादातर काव्य है, ये देश के गौरव गान, यानी कि देश के बारे में इन्होंने अपने लिखा और साथ ही देश की गरिमा, राष्ट्र की गरिमा, और इनसे इनके जो काव्य हैं उनके काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही थी। इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भरा हुआ था और इनकी रचनाओं में श्रृंगार एवं करुणा रस का सुंदर प्रयोग मिलता है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार एवं करुणा का सुंदर प्रयोग मिलता है। और इनकी मृत्यु सन 1937
1937 में इनकी मृत्यु हो गई, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए कविता हम पढ़ रहे हैं, कविता में सबसे पहले आपको कविता का नाम, कवि का नाम, कवि के बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी, जैसे कि कवि का जन्म कब हुआ था, कवि की मृत्यु कब हुई थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कब हुई थी, यानी कि उन्होंने मुख्य शिक्षा उनकी मुख्य रूप से क्या रही थी, और दूसरा उनकी रचनाएं क्या थी। तो ये सारी चीजें आप जरूर याद रखेंगे किसी भी कविता को पढ़ने से पहले, किसी भी कवि के विषय में पढ़ने से पहले। और अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कविता को, कविता को कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप पाठ्य पुस्तिका ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तिका निकाल सकते हैं, और अगर पाठ्य पुस्तिका नहीं है तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे साथ साथ। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर, कवि का क्या भाव है इन पंक्तियों में। कवि कहते हैं अपने मन को, उन्होंने मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप, मधुप का अर्थ होता है भंवरा, भंवरा जिसको मधुप कहा जाता है। तो अब कवि ने यहाँ पर अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है और कवि कह रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह, यानी कि जो मन रूपी जो मेरा ये भंवरा है ये गुनगुना कर क्यों, क्या नई कहानी कह रहा है, पता नहीं क्या नई कहानी कह रहा है, कौन सी नई कहानी ये कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि कवि समझ नहीं पा रहे हैं कि वह अपनी जीवन की गाथा कौन सी गाथा कहे, कौन सी कहानी कहे, यानी कि मेरा जीवन जो है अपने जीवन की कौन सी गाथा वो दूसरों को बताए, आत्मकथ्य जैसे इसका हमने कहा आत्मकथ्य। तो कवि कह रहे हैं कि वो अपने जीवन की कौन सी गाथा गुनगुना रहे हैं, कौन सी गाथा कह रहे हैं, कहें क्योंकि उनके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते, मतलब जो उनका जीवन है वो किस प्रकार का है, मुरझाकर गिरते हुए पत्ते के समान है जो जीवन है वो क्या है, नश्वर है, यानी कि जीवन तो नश्वर है और पत्ते के समान, यानी कि जो एक पत्ता होता है ना उसकी कोई ऐसी स्टेबल लाइफ नहीं होती, वो जब बड़ा होता है एक टाइम के बाद वो पक जाता है, यानी कि उसका जो लाइफ होती है वो समाप्त हो जाती है और वो झड़कर गिर जाता है। तो बिल्कुल जो ये पत्ता है ये नश्वरता का प्रतीक है, यानी कि एक न एक दिन तो गिरना ही है, एक न एक दिन तो झड़ना ही है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी है कि ठीक एक न एक दिन कभी न कभी जब हमारे जो हमारा जो समय है यहाँ पर जब वो समाप्त हो जाएगा तो हमारा जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा इस धरती पर। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जो कभी बहुत ज्यादा घनी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हरी भरी हुआ करती थी, आज वो भी मुरझा कर गिर रही है क्योंकि उनके उनका समाप्त होने का समय आ गया है। और क्या कहा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, कवि कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा, गंभीर अनंत नीलिमा किसको कहा है, आकाश को। आकाश क्या है, बिल्कुल गंभीर है और एक अनंत तक नीलिमा, नीलिमा यानी कि नीला आकाश जो है छाया हुआ है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, यह आकाश जो अनंत तक फैला हुआ है, और यहाँ पे क्या है,
असंख्य जीवन इतिहास लोगों के लिखे हुए हैं, सबने अपने अपने जीवन इतिहास यहाँ पर लिखे हैं, जिसे पढ़कर यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। जिसको पढ़कर लोगों को क्या लगता है कि उनके स्वयं की आत्मकथा जो लिखकर खुद का वो मजाक उड़ा रहे हैं, और इन्हें पढ़कर लोग उन्हें उन पर हंस रहे हैं, यानी कि वो ये जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि कवि जब उन लोगों की आत्मकथा को पढ़ते हैं, उन लोगों की जो आत्मकथा कवि उन लोगों ने लिखी है, तो कवि जब उसको पढ़ते हैं तो कवि सोचते हैं कि क्यों वो अपनी स्वयं की आत्मकथा वहां पर लिखकर अपना मजाक लोगों से उड़वाएं, क्योंकि इन्हें पढ़कर लोग उन पर हंस रहे हैं। तो कवि अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहती। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो कवि कहते हैं तब भी तुम कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी कि मैं अपनी जो मेरे जीवन की जो अब यहाँ पर कवि आपको आपके लिए प्रश्न करने के लिए बाध्य हो गए हैं। वो कहते हैं कि अभी भी तुम चाहते हो, यानी कि लोग सबको पता है कि लोग मजाक बनाते हैं, तो क्या अभी भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं, अपने जीवन की जितनी कमियां हैं, यानी कि क्यों आप मुझसे बार बार कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, मैं अपना आत्मकथ्य कहूं, क्या है मेरे जीवन में ऐसा कि जिसको मैं लिखूं? मेरे जीवन तो बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ है, बहुत सारी दुर्बलताओं से भरा हुआ है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन की सारी दुर्बलताओं को लिख डालूं और सुनकर सुख पाओगे देखोगे जब यह गागर रीति। तो लोग इसे पढ़कर, लोग जब मेरी इस खाली गगरी को देखेंगे, यानी कि जब उन्हें पता चलेगा कि इसके जीवन में तो कुछ है ही नहीं, इसका जीवन तो बिल्कुल खाली है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये आत्मकथा लिखे, तो तब लोग मेरी इस खाली गगरी को देखकर मजाक बनाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी कि जो जो मेरे पर बीता है, जो जो मेरे जीवन की दुर्बलताएं हैं, तुम अभी भी चाहते हो कि वो दुर्बलताएं मैं तुमसे कह दूं, तुमको सुना दूं, तुमको पढ़ा दूं, ताकि तुम सुनकर सुख पाओगे, यानी कि तुम्हें मजाक, मेरा मजाक बनाने का एक अवसर मिल जाएगा, मेरा मजाक बनाने का एक मौका मिल जाएगा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों अपने को समझे मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब क्या कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं अपने अपने मित्रों से, अब जब जो मित्र कवि से आत्मकथा लिखने की प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, तो कवि अब उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आत्मकथा को पढ़कर मेरे जीवन की इस खाली गगरी को देखकर ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो, कहीं ये ना समझो कि ऐसा तो नहीं कि तुम ही हो खाली करने वाले, यानी कि तुम अपने आप को कहीं मेरा गुनहगार ना समझ लो, अपने आप को मेरे दुखों का कारण ना समझ बैठो, और कहीं सोचने ना लग जाओ, अपने की समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और कहीं ये ना सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी इस गागर को खाली किया है, मेरे जीवन रूपी इस नगरी को खाली किया है। तो क्या यहाँ पर कवि कहते हैं, यह विडम्बना अरी रसलते तेरी हजी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी पंक्तियां हैं। तो कवि कहते हैं, यह विडम्बना अरी रसलते
तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना। अब एक विडंबना कवि के सामने आ गई है कि अरी रसल ते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी कि कवि का तात्पर्य है कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो स्वभाव है बहुत ज्यादा सरल है, और इस सरल स्वभाव के कारण, इस सरल स्वभाव के कारण कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया है जीवन में, कई लोगों के कारण उन्हें अपने जीवन में कष्ट उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी कवि कहते हैं कि कई लोगों के कारण उन्हें धोखा उठाना पड़ा है, कई लोगों ने उन्हें कष्ट दिया है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव से कोई मलाल नहीं है, अपने स्वभाव से कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। यह विडंबना, यानी कि यह एक विडंबना है कि मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि मेरे इस स्वभाव के कारण ही कई लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, कई लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और जिससे कि मुझे अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा है, अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा है। परंतु इसके बावजूद भी कवि अपने स्वभाव से मलाल नहीं करते, और वो कहते हैं कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। अपनी आत्मकथा को लिखकर, अपने जीवन के बारे में बताकर, अपने जीवन की बातों को शेयर करके आपके साथ मैं अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं बिल्कुल भी अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता। और क्या कहते हैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, और ना ही मैं अपने जीवन की वो जो भूले हैं, और ना ही जो लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया है, ना ही लोग जो मुझे लोग जो एक तरह से क्या कहते हैं, परेशान करते हैं, यानी कि जीवन में जिनके कारण मैंने कष्ट सहा है, उन लोगों को मैं अपनी आत्मकथा लिखकर सामने नहीं लाना चाहता हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कवि कहते हैं कि कैसे, देखिए जैसे कि कवि कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं, तो कई बहुत सारे दुख कवि के जीवन में आए हैं, और कुछ सुख के क्षण भी कवि के जीवन में आए हैं। तो अब जब वो अपने दुखों को लोगों के सामने नहीं रखना चाहते, अपने कष्टों को लोगों के सामने नहीं रखना चाहते, अपने जीवन की जो उनके जीवन में जो भी परेशानियां उन्होंने लोगों के कारण सही है, उनको वो अपने लोगों के सामने नहीं रखना चाहते, तो वो अब कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कवि अपनी उन हसीन जो उनकी जो सुंदर रातें थी, यानी कि जब अपनी वो प्रेमिका के साथ उन्होंने जो अपने कुछ अच्छे दिन जो उन्होंने बिताए थे, तो अब वो कहते हैं कि वो जो हंसकर की गई उनकी जो मीठी मीठी बातें थी, और जो उनके निजी अनुभव थे जीवन के, अब वो कैसे वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, कैसे वो अपने जीवन के उन अनुभवों को आत्मकथा के रूप में लिखकर लोगों को सुनाएंगे। तो कहते हैं, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी कि जो हंस हंस कर जो खुशी के पल भी उन्होंने दो चार अपने जीवन में अपनी प्रियतमा के साथ बिताए थे, तो वो उन पलों को भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उन पलों को भी नहीं अपनी आत्मकथा के रूप में लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनके जीवन की एक ही तो पूंजी है, यानी कि अभी तक जैसे उन्होंने यहाँ पर कविता में बताया कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आत्मकथा लिखें, तो उनके जीवन की एक यही पूंजी है जो उनके जो कुछ निजी पल हैं, उनके जीवन की जो कुछ उज्जवल गाथाएं हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, वो लोगों के साथ वो कैसे शेयर करेंगे, उन बातों पर, उन हंसी पर, उस हंसी पर, उन रातों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियों से कवि अपने
उन अच्छे दिनों को भी याद कर रहे हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो अपनी प्रेमिका के की सुंदरता का बखान कर रहे हैं अभी कवि, जैसे कि हमने कहा कि लोग उन्हें कहते हैं कि आप आत्मकथा लिखो, आप आत्मकथा क्यों नहीं लिखते, आपको आत्मकथा लिखनी चाहिए, लेकिन कवि कहते हैं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में इतना बड़ा कुछ नहीं है कि मैं आत्मकथा लिखूं, लेकिन जो कुछ अच्छे दिन अच्छे पल अच्छे क्षण उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे तो वो कहते हैं यही मेरे जीवन की पूंजी है जिस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसको मैं आत्मकथा के रूप में नहीं लिख सकता। तो अब वो अगली पंक्तियों से अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों अर्थात जो अरुण अर्थात जो सूरज के समान, जो सूर्य उदय जब होता है तो उसको अरुण कहते हैं, यानी कि सूरज का उदय हो रहा है तो किस रंग का होता है वो, बिल्कुल लाल रंग हो, लाल रंग का। कपोलों अर्थात गाल, तो उनकी जो प्रेमिका के जो गाल थे वो इतने ज्यादा लाल लाल सुंदर गाल थे और उषा भी अपनी लालिमा उससे उधार लेती थी, जो उषा थी सूरज की जो प्रातः की सुबह थी वो भी उसके गालों की लालिमा उससे उधार लेती थी कि जरा मुझे अपनी लालिमा बिखेरने के लिए दो। क्या यहाँ पर कहते हैं, उस अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति कवि के लिए पाथेय बनी हुई है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। यहां से हमारा जो ये हमारा अगली पंक्ति है इसके बाद की, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। तो कवि अब अगली पंक्तियों में कहते हैं जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो उनकी प्रेमिका थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा प्यारी थी और उनके जो अरुण कपोल उनके जो सुंदर गाल थे वो इतने ज्यादा लाल लाल थे कि जो प्रातः की सुबह होती थी, जो प्रातः उषा का जो सूरज होता था वो भी उनसे लालिमा उधार लेता था। और अब अगली पंक्ति में कहते हैं उनकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पंथा की, यानी कि अभी कवि जो जी रहे हैं अपने जीवन को जो जी रहे हैं ये केवल और केवल उन्हीं की स्मृतियों के सहारे जी रहे हैं, उन्हीं की यादों के सहारे जी रहे हैं थके पथिक की पंथा की, यानी कि जो अब वो जीवन में थक चुके हैं और उनकी जो अभी भी उनकी जो उनका जो ये जीवन चल रहा है उस जीवन का केवल और केवल एक ही आधार है उनकी जो प्रेमिका है उनकी स्मृतियां उनकी सुंदर यादें। तो कहते हैं सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरे जीवन में जो मैंने कुछ सिला हुआ है जो मैंने कुछ अपने अंदर दबाया हुआ है क्यों तुम उसे उधेड़ कर देखना चाहते हो। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि एक समय जब ऐसा आता है, देखिए एक टाइम होता है जब हम अपने परिवार से घिरे हुए होते हैं, हमारे साथ हमारे माता पिता होते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं, हमारे बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं दादा दादी, फिर जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है एक तरह से हमारा अपना परिवार होता है, हमारे अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली होती है, उसके बाद जब वो भी अपनी फैमिली में रम जाते हैं ये हर एक के लिए है, यानी कि जो एक अवस्था हमारे जीवन की ऐसी आती है जिसमें केवल और केवल जो हमारा साथी होता है, हमारा जो जीवन का जो हमारी जीवन संगिनी होती है या जो हमारा जीवन साथी होता है वही हमारे जीने का आधार होता है। तो कवि के लिए अब तक उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत कुछ किया है, इसी कारण सभी लोग उनसे आत्मकथा लिखने की बात कर रहे हैं, आत्मकथ लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन कवि बताते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी है
वो अभी जो जी रहे हैं उसका केवल और केवल आधार उनकी जो प्रेमिका है उनकी स्मृतियां हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है उनकी स्मृतियां हैं, यानी कि वही उनके जीवन का एकमात्र सहारा और यादें हैं। तो अब अपने मित्र से फिर से कह रहे हैं, क्या अभी भी तुम उन यादों को देखना चाहते हो? और इस प्रकार मेरी आत्मकथा को पढ़कर, यानी कि फिर कहते हो कि आत्मकथा लिखो, और इस प्रकार क्यों तुम मेरी आत्मकथा को पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को कुरेदना चाहते हो, यानी कि जिन चीजों को मैं भूल चुका हूँ, जिनके सहारे अब मैं जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि एक याद होती है कि जो आपको जीने नहीं देती और एक याद होती है कि जिसके सहारे आप अपना जीवन जीते हैं। तो अब कभी की वो जीने नहीं देने वाली यादें समाप्त हो गई हैं, अब उन्होंने उन्हीं यादों को अपना जीने का सहारा बना लिया है। तो अब वो कहते हैं, क्यों तुम मेरी इन भूली यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो, मेरी सिली हुई सीवन को क्यों फिर से उधेड़ना चाहते हो, और मेरी यादों की चादर को तार तार क्यों करना चाहते हो? तो इस तरह से हमारी जो यहाँ पर कविता है ये कंप्लीट होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता थी, और नेक्स्ट सेशन में हम इसको फिर से भावार्थ, कठिन शब्दों और प्रश्न उत्तर के साथ डिस्क्राइब करेंगे। आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए और इसको घर पर पढ़िए, भावार्थ को समझने का, लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।